वेलकम टू अवर मास्टरमाइंड चैनल। आज हम बनाएंगे पूरी बोली। इसके लिए हमने ली है चना दाल एक कटोरी। जितनी आपने दाल लेनी है उतना ही आप भूनेंगे। चना दाल हम उबलने के लिए पहले रखेंगे। पूर्ण पोली का डो तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप लिया है मैदा। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच नमक और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे घी लिया है। आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस डो को तैयार करना है। डो ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नरम भी नहीं। जैसे आप अपनी रोटी के लिए डो लगाते हैं ना, वैसा ही डो लगाना है। डो को अभी सेट होने के लिए हम रखते हैं 5 मिनट के लिए। यहाँ गीला कपड़ा डालकर इसको रख देते हैं साइड पे। देखिए दाल हमारी पक चुकी है और इसे अच्छे से ऐसे मैश कर लेना है। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। गुड़ डालने के बाद ये थोड़ी पतली हो जाएगी। जैसे ही गुड़ पिघलेगा ना, थोड़ी पतली हो जाएगी। देखिए ये पतला हो गया है। अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये दोबारा से थिक ना हो जाए। अब हम इसमें कुटी हुई इलायची डालेंगे। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं और 2 चम्मच इसमें घी डालेंगे। ये देखिए पूर्ण हमारा तैयार हो गया है। काफ़ी थिक हो गया है ये। देखिए डो हमारा तैयार हो गया है। कितने अच्छे से ये सेटल हुआ है। अब हम इसके ना छोटे छोटे पेड़े बना के रखेंगे। थोड़ा थोड़ा ना सूखा ये मैदा है मैंने साथ में रखा है, इसे लगाकर ऐसे इसके पेड़े बना लें पहले। पूरन हमारा ठंडा हो गया है। अब ऐसे इन में इसको भर लेना है, जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और जो पूरन है वो ठंडा ही लेना है। अगर आप गर्म लोगे तो फिर फीलिंग अच्छे से नहीं होगी, बाहर आएगी। इसलिए इसे थोड़ा ठंडा कर लें, हो सके तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख लें। सभी ऐसे पूर्ण पोली जो हमारी है इनको बेल लेना है अच्छे से, जैसे पराठा बेलते हैं ना। और इसकी इसको ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, बस ऐसे। अब इनको सभी को पहले तैयार कर लेते हैं, बेल लेते हैं, एक तरफ रख लेते हैं बेल के, फिर पकाएंगे। पहले तवे पे हल्का सा घी लगा लेना है और फिर हम इसे डाल देंगे हमारी पूर्ण पोली को। जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो इसका पासा पलट देंगे। इसके ऊपर भी ऐसे घी लगा देना है। आप बिना घी के भी बना सकते हैं। दोनों तरफ घी लगा लेना है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी फूल रही है पूरन पोली। ये देखिए कितनी अच्छी फूल फूल कर आ रही है ना। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं, बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं इसे। पूर्ण पोली बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत अच्छी बनी है। इसे खाया कैसे जाता है, आप इसे खीर के साथ खा सकते हैं और घी के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं और अचार के साथ भी खा सकते हैं। बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। टिफिन में भी इसे लेके जाया जा सकता है और इसे 3-4 दिन तक आप रख के खा सकते हैं। तो बताइए आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।